What's up guys, DSTK here. Finally, Apple released the iOS 14.3 publicly on last Tuesday. तो वीडियो क्यों लेट बना रहा है? Guys, exam चल रही है, but यहाँ पर iOS 14.3 में आपको एक custom dark और light mode का wallpaper आप set कर सकते हैं आपके favorite wallpapers, आपकी lock screen या home screen के ऊपर. तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगा, मेरे पास है phone iPhone 11 Pro. बट यहाँ पर मैंने सेट किया है वॉलपेपर आईफोन 12 का, जो कि है लाइट मोड के अंदर. बट एक टैप पे आप चेंज कर सकते हैं डार्क मोड के ऊपर. ओ दैट सिंपल गाइस. तो आप भी आपका फेवरेट वॉलपेपर को लाइट और डार्क मोड की थीम के अंदर चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन के ऊपर. सो स्टे बैक टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, फॉर कस्टमाइजिंग योर वॉलपेपर्स, आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है आपका फेवरेट वॉलपेपर लाइट और डार्क मोड की थीम के अंदर, जिसके लिए मैं आपको एक साइट सजेस्ट करूंगा जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से सिंपली ओपन कर सकते हैं. तो ये साइट के ऊपर आईफोन 12 और 12 प्रो के लाइट और डार्क मोड में वॉलपेपर्स अवेलेबल है. तो सिंपली आप कोई भी इमेज के ऊपर टैप करके ऐड टू फोटोज कर सकते हैं. और गाइज, इसके अलावा भी आप वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने थंबनेल में दिखाए थे. तो सिंपली आपको फोटोज़ में ऐड कर लेने हैं. और अब स्टार्ट होती है रियल ट्रिक. आपको सिलेक्ट करने हैं वो वॉलपेपर्स लाइट और डार्क मोड की थीम के अंदर और टैप करना है शेयर बटन. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू एल्बम पे क्लिक करना है और क्रिएट करना है एक नया एल्बम, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पर मैं वॉलपेपर दे देता हूँ. तो ये दो फोटोज़ ऐड हो जाएंगे नए एल्बम के ऊपर जो कि आपने क्रिएट किया है. तो सिंपली आप देख सकते हैं ये दो फोटोज़ ऐड हो चुके हैं मेरे वॉलपेपर वाले एल्बम के अंदर. तो सिंपली आपको क्लोज कर लेना है और ओपन करना है आपकी शॉर्टकट एप्लीकेशन और क्रिएट करना है आपको एक नया शॉर्टकट. प्लस साइन पे क्लिक करके ऐड एक्शन में आपको जाना है. सर्च बार में आपको सर्च करना है फाइंड फोटोज़. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड फिल्टर्स में आपको एल्बम नेम सिलेक्ट करना है. यहाँ पर मैंने एल्बम नेम वॉलपेपर रखा था तो मैं वॉलपेपर सिलेक्ट कर देता हूँ. और ऐड फिल्टर्स में आपको एक और फिल्टर ऐड करना है बाय नेम. आप देख सकते हैं नेम इज़ एनीथिंग रहना चाहिए. और शॉर्ट बाय में आपको रैंडम सिलेक्ट कर लेना है. आप देख सकते हैं आप कोई और सिलेक्ट करेंगे तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी, तो मेक श्योर आप रैंडम ही सिलेक्ट करें. यहाँ लिमिट पे टैप करके आपको गेट वन आइटम ओनली ही सिलेक्ट करना है और एक प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको एक नया शॉर्टकट ऐड करना है जो कि नाम है उसका सेट वॉलपेपर. आप देख सकते हैं ये वाला. इसमें आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है कि आप जो भी सिलेक्ट किया है अपने वॉलपेपर वो आप सेट करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन के ऊपर या तो दोनों ही जगहों पर. तो यहाँ पर मैं ओनली होम स्क्रीन रख के डन पे क्लिक करूँगा. और यहाँ पर आपको शो मोर पे प्रीव्यूज को ऑफ कर देना है तो ये शॉर्टकट रन होगा तो आपको एक प्रीव्यू देखने ना मिले. टैप करना है नेक्स्ट बटन और कोई भी आपका फेवरेट नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है. यहाँ पर मैं वॉलपी सिलेक्ट करता हूँ. ऑल्सो गाइज, यहाँ पर आप आइकन भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा लाइट और डार्क मोड वाला. और कलर भी यहाँ से आप रैंडम चूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पर फिलहाल ब्लू यूज़ कर रहा हूँ. और सिंपली प्रेस करना है डन डन बटन पे और आपका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है. ऑल्सो गाइज, ये वाले शॉर्टकट की डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं. सिंपली आपको यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करके आपकी होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लेना है ये वाला शॉर्टकट. सिंपली आपको टैप करना है ऐड बटन के ऊपर तो ये वाला शॉर्टकट ऐड हो जाएगा आपके विजिट्स और आपकी होम स्क्रीन के ऊपर. तो आप वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्टकट ऐड हो चुका है. तो सिंपली अपन उसके ऊपर टैप करेंगे और बूम गाइज, यहाँ पर आपका वॉलपेपर चेंज हो चुका है. अपन ने सिलेक्ट किए थे दो वॉलपेपर जिसमें से ये है डार्क मोड वाला. तो अपन अगेन वो वाले बटन पे टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट मोड वाला वॉलपेपर आ चुका है. तो इस तरीके से आप कस्टमाइजिंग कर सकते हैं आपके लाइट और डार्क मोड वाले वॉलपेपर को आपके आईफोन के ऊपर. ऑल्सो आप शॉर्टकट एप्लीकेशन में एक ऑटोमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं और प्लस आइकन पे आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक करना है और टाइम ऑफ डे सिलेक्ट करके आप सनराइज और सनसेट सिलेक्ट करके कस्टम
लाइट और डार्क मोड वाले वॉलपेपर ऑटोमेटिकली आपकी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। सनराइज होगा तो आप लाइट वाला सिलेक्ट कर सकते हैं और सनसेट होगा तो आप डार्क वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होते रहेंगे। सो गाइज, ये था कुछ एक क्विक वीडियो कस्टम लाइट मोड और डार्क मोड के वॉलपेपर्स को लेके। सेम चीज़ आपके आईपैड पे भी आप कर सकते हैं। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अबे भाई, तेरे सब्सक्राइबर कितने हुए? गाइज, सब्सक्राइबर है 880, तो ये वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपन 2020 के एंड तक 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर सकते हैं। सो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, हैव अ ग्रेट डे।